अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सीखो आसानी से। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको मालूम होगा कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्लेम करने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए या अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके पास इनिशियल रिक्वायरमेंट आपको क्या अचीव करनी है। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर्स आपके पास होने चाहिए और 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए लास्ट 365 डेज के अंदर, तो आपका चैनल इनिशियली एलिजिबल होगा कि उसकी मोनेटाइजेशन को ऑन किया जा सके। तो जरूरी यह है कि आप ये टारगेट किस तरह से अचीव करेंगे। अगर आपको अपने चैनल के बारे में, अपनी वीडियोस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा कि कौन सी वीडियो अच्छी परफॉर्म कर रही है या कौन सी वीडियोस में आपने क्या किया है, तो क्यों परफॉर्म कर रही है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है उसका, तो ये सब मालूम करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने चैनल के एनालिटिक्स को गौर से देखें ताकि ये नेक्स्ट टाइम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपका जो चैनल है ये परफॉर्म करता है। लाइक मेरे ही जो चैनल है सीखो आसानी से, मैं इसी की बात लेके चलता हूँ कि अगर आप यहाँ देखें एनालिटिक्स नजर आ रहा होगा आपको, आप एनालिटिक्स पे क्लिक करें। एनालिटिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको चैनल एनालिटिक्स के अंदर आप आ जाएंगे, तो सबसे पहले टैब आपको दिख रहा है ओवरव्यू का, उसमें लिखा है योर चैनल गॉट 1014 व्यूज इन द लास्ट 28 डेज। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको लास्ट 28 डेज दिख रहा है, यानी आज 23rd है अक्टूबर की, सो सितंबर 25 से अक्टूबर 22 तक 28 डेज बनते हैं। सो उसका एनालिटिक्स यहाँ पे दिया है कि लास्ट 28 डेज में मुझे 1K जो है व्यूज मिले हैं अपने पूरे चैनल की वीडियोस में टोटल मिला के, जो कि प्रीवियसली अगर पिछले 20 अब यानी लास्ट 28 डेज से पहले जो 28 डेज थे उसके एज कंपेयर टू दैट वन 290% जो है वो मुझे ज्यादा मिले हैं। सो चैनल ने अच्छा परफॉर्म किया है। इस तरह से अगर आप वॉच टाइम देखें तो आपके पास 59.2 आवर्स का वॉच टाइम इस चैनल ने गेन किया है, जो कि 410% पॉजिटिव है, जो ज्यादा है पिछले पीरियड से। और अगर आप सब्सक्राइबर्स काउंट पे गौर करें तो 99 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐड हुए हैं मेरे चैनल के अंदर, जो कि एक मार्वलस बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है चैनल की। अगर आप प्रीवियसली इसको चैनल को देखें तो 999% जो है वो उसने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, और ये इनिशियली आपको ट्रेंड भी यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ साइड में आपको रियल टाइम कुछ एनालिटिक्स भी नजर आते हैं, 154 सब्सक्राइबर्स यानी करंटली हैं ये, और 132 व्यूज लास्ट 48 आवर्स में, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो फर्दर हम चलें आगे तो आपको अपने जो टॉप वीडियोस हैं इस 28 डेज में जिन्होंने परफॉर्म किया है वो आपको इस तरह से दिख रही हैं कि देखिए, अगर आप यहाँ व्यूज 270 यानी ये टॉप मेरी वीडियो है जिसने इस पूरे 28 डेज में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। अब ये चीज नोट करने वाली है कि ये वीडियो में क्या आपने कहा है, किस तरह से आपने कौन सा टॉपिक चूज किया है, तो आपको इसी के ऊपर ज्यादा वीडियोस बनानी चाहिए जो कि ज्यादा पसंद की जा रही है। टॉप 5 आप ले सकते हैं, टॉप 5 के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस तरह से सेकंड आप देखिए अमेजिंग ट्रिक्स ऑफ पिवट टेबल है, सो इसमें भी जो है वो 133 व्यूज है, जो कि वैसे बहुत कम है लेकिन न्यू यूट्यूबर के लिए काफी होती है तो चैनल बूस्ट करने के लिए। तो 3.11 का ये जो टाइम आप देख रहे हैं इसमें एवरेज ड्यूरेशन वो 3.11 है, जो कि बहुत अच्छा ड्यूरेशन है। इस तरह से 1.31 इसमें ड्यूरेशन है, ये भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि दूसरा टैब है रीच। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या होने वाला है, और अपने चैनल में अगर आप थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो जल्द से जल्द वो ग्रो करने लग जाएगा। तो सेकंड टैब है रीच का, इस रीच पे आप क्लिक कीजिए। अब देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आया है, अच्छा क्राइटेरिया वही है लास्ट 28 डेज का। फर्स्ट ऑप्शन है इंप्रेशंस। इंप्रेशंस क्या चीज होती है? इंप्रेशंस वो होती है, फॉर एग्जांपल आपने आज यूट्यूब लॉगिन किया, और यूट्यूब लॉगिन नहीं किया यानी यूट्यूब का पेज आपने व्यू किया, और आपको पेज व्यू करते ही कुछ वीडियोस नजर आती हैं, तो वो जो वीडियोस आपको दिख रही होंगी वो इम्प्रेशंस हैं, यानी कि 11.3K ये इम्प्रेशंस जो हैं यूट्यूब ने 11.3 थाउजेंड जो यूजर्स हैं उनके सामने आपकी वीडियोस जो है उसने एज ए इम्प्रेशन दिखाई है, यानी कि वो जो वीडियोस लोगों ने जब लॉगिन किया है तो उनको आपकी वीडियो दिखी है, यानी कितने थे 28 डेज के अंदर 11,300 वीडियोस। सो उसमें वो जो के वो है आपका 392% मोर देन द लास्ट पीरियड, करेक्ट। अच्छा अब उसके बाद अगर आप देखेंगे इंप्रेशंस क्लिक थ्रू रेट, अब क्या है, अब 11,300 जो आपको इंप्रेशन दिखाए गए हैं लोगों को
उसमें से सिर्फ 3% लोगों ने आपकी वीडियो को क्लिक करके व्यू किया है, जो कि 34% लेस है एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। ओके, सो ये एनालिटिक्स है, मतलब जो आपके डिफरेंट होंगे जाहिर सी बात है एनालिटिक्स। उसके बाद आप व्यूज में आ जाएं तो ये 1000 व्यूज ज्यादा हैं, यानी 11,300 में से 1000 लोगों ने आपकी वीडियो को व्यू किया है, जो 290% मोर देन योर प्रीवियस पीरियड। ओके, और इसी तरह से आप यहाँ यूनिक व्यूअर्स देख रहे होंगे 564। कुछ लोग हैं जो आपकी वीडियोस बार बार देखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे आके आपकी वीडियोस देख रहे हैं। सो 564 व्यूअर्स हैं जिन्होंने, यूनिक व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे आए थे। तो ये उसी का ये कुछ ट्रेंड है, वो भी आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे पीक आई थी और कहाँ पे डाउनफॉल था। अच्छा, आगे चलें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं इंप्रेशंस एंड हाउ दे लेड टू वॉच टाइम। यानी वही जो 11,000 के का जो इंप्रेशन था आपका, उस इंप्रेशन में से जो 3% क्लिक थ्रू रेट था, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है 3%, उस 3% क्लिक थ्रू रेट में 335 लोग थे जिन्होंने आपकी वीडियो को व्यू किया है। ठीक है, उसको व्यू किया है, और उसके बाद 4.4 मिनट्स 12 सेकंड्स का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है जो कि देखा गया है, और जो टोटल वॉच टाइम है उन इंप्रेशन से वो आपको 23 आवर्स का जो है आपको वॉच टाइम जो है वो उसमें, यानी ऑलमोस्ट 24 आवर्स का वॉच टाइम आपको मिल गया है लास्ट 28 डेज में। यानी अगर आप यहाँ से इस मेजर को चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं मजीद एनालिटिक्स को। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ट्रैफिक सोर्स टाइप्स पर आ जाएं तो आपको बताएगा कि किस तरह से आपके ट्रैफिक आया। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके चैनल के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है। सो सजेस्टेड वीडियोस में आपका 25.1% आया है, यानी सजेस्टेड का मतलब ये हो गया कि यूट्यूब ने आपकी वीडियो सजेस्ट की है कि कोई अगर फर्ज कर लें कोई आपकी वीडियो देख रहा है तो आपके बाद मेरी वीडियो सजेस्ट की गई कि ये भी आप देखें, ये भी वो यूजर देखेगा। तो इस तरह से 25.1% जो है वो सजेस्टेड व्यूज हैं, एक्सटर्नल सोर्स से आपके पास 17.7% है, प्लेलिस्ट के थ्रू 7.3% है, यूट्यूब सर्च में 11.5% और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अननोन सोर्सेज हैं उनसे 99% एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब आप ये देखें एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज मींस फेसबुक पे मैंने वीडियो शेयर की है और वहां से 29% लोगों ने देखा। ठीक है, ये 25.1% टोटल बता रहा है सजेस्टेड का। अब एक्सटर्नल में 17.7% दिख रहा होगा ना आपको यहाँ पर, ये 17.7%। तो उसमें फिर फेसबुक का मैंने आपको बता दिया, अब व्हाट्सएप पे मैंने जो शेयर की वहां पे 20% लोगों ने देखा है, क्रोम ऐप से 19.6 ने देखा है, और एक वेबसाइट है irtibat.com वहां से 2.2% लोगों ने देखा है। यानी वेबसाइट से भी, अगर वेबसाइट पे किसी ने आपकी वीडियो ऐड कर ली अपने टॉपिक के अंदर तो वह अपने ब्लॉग के अंदर, तो इस तरह से वहां से भी देखे जा सकती। मैंने कुछ वीडियोस लिंक्डइन पे भी मैंने शेयर की थी एंड्रॉइड के थ्रू, सो वहां से भी एंड्रॉइड के थ्रू 2.2% लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है। इस तरह मोर एनालिटिक्स हैं वो आप यहां देख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ट्रैफिक सोर्स सजेस्टेड वीडियोज। अब सजेस्टेड वीडियोज 25.1% था, वहां से आपको ट्रैफिक आया है। अब ये सजेस्टेड वीडियोज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू क्लेम योर यूट्यूब चैनल नेम, ये मेरी वीडियो है। इसकी जब ये मेरी वीडियो एंड होने लगी तो वहां से जो है एक प्रॉम्प्ट हुआ और वहां से 7.5% ने मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखा है। ठीक है, अब ये एक वीडियो हाउ टू डिलीट ब्रांड चैनल यूट्यूब चैनल, सो ये मेरी वीडियो नहीं है। इट मींस कि किसी ने ये वीडियो देखी है और इस वीडियो से मेरी वीडियोज जो है वो सजेस्ट हुई हैं और 2.8% लोगों ने वो देखी है। इसके अलावा सेंड व्हाट्सएप मैसेज विदाउट सेविंग नंबर्स, ये भी मेरी वीडियो यहाँ से 2.0 लोगों ने देखी है। और व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज कैसे पढ़ें, ये मेरी वीडियो नहीं है, यहाँ से भी मेरी वीडियो जो है वो देखी गई है। इसी तरह और मजीद जगह से भी वीडियो देखी जाती हैं जो सजेस्ट हुई है, वो आप सीमोर में देख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ट्रैफिक सोर्स यूट्यूब सर्च में आप 11.5% जो है आपका ट्रैफिक आया है, जिसमें किसी ने सीखो आसानी से जो मेरे चैनल का नाम है उसको सर्च करके मेरी वीडियोज देखी है। इस तरह से ये माइक्रो स्ट्रेटजी अपडेट डेटा एक्सेल एग्जिस्टिंग एक्सेल इस वीडियो के टाइटल को सर्च करके 6.8% ने देखा है, जबकि व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू 1.7 ने, और ये भी एक वीडियो का टाइटल है इसको 0.9% ने देखा है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल है और आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आपके चैनल में किस तरह से आपका चैनल परफॉर्म कर रहा है।
तो तीसरी चीज है, हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड टाइप है इंगेजमेंट का। इंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं और देखें वॉच टाइम आवर्स, दिस इज 59.2 आवर्स इन लास्ट 28 डेज। सो इट हैज परफॉर्म मोर देन 410% एज कम्पेयर टू द लास्ट पीरियड। सो अगर आप एवरेज व्यूज ड्यूरेशन देखेंगे तो 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स ओवरऑल जो है मेरे वीडियोस का जो है वो वॉच टाइम है, और जो कि 31% जो है वो ज्यादा है प्रीवियस पीरियड से। सो इसका ये ट्रेंड है, कहीं पे अप है और कहीं डाउनफॉल है, तो कहीं अप है इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये एक टॉप वीडियोस का आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पर, और इसमें देखें वॉच टाइम आवर्स लास्ट 28 डेज। लास्ट 28 डेज में आपकी किस वीडियो ने जो है सबसे ज्यादा वॉच टाइम गेन किया है। तो ये भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी, ताकि आप इसी तरह की वीडियोस बनाएं जो कि पब्लिक जो है वो उसको पसंद कर रही है। सो मस्ट वॉच अमेजिंग ट्रिक्स, यानी आपका जो टाइटल है और जो आपका जो थंबनेल है वो इतना रिच और इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए जो पब्लिक आपको देखे वीडियो को और उसको क्लिक करके उसको वॉच करे। सो वॉच टाइम आवर्स, सो ये 8 घंटे का वॉच टाइम इसमें नजर आ रहा है। इस हाउ टू क्लेम योर यूट्यूब चैनल URL जो है इस पे 7.49% का है, और ये तीसरा एक और है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस में पब्लिक का ज्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। सो नेक्स्ट टाइम आपने उसी तरह की वीडियोस बनानी है। सो टॉप वीडियोस बाय एंड स्क्रीन, यानी जब आप एंड स्क्रीन पे आप एंड स्क्रीन लगाते हैं तो वहां पे देखें मैंने जो वीडियोस लगाई हैं उसमें दो जो वीडियोस हैं वो यहाँ से क्लिक हुई हैं, ये वाली और एक ये वाली। सो इस टाइप की वीडियोस ही हमें वहां लगानी चाहिए। इसके अलावा टॉप प्लेलिस्ट जो है वो माई पिक्स 15 है। मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि मेरी उस प्लेलिस्ट में क्या है जिसने 92.9% परफॉर्म किया है, और बाकी इन वीडियोस में क्या है। सो मुझे उसी तरह की कोई प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी जो पब्लिक ज्यादा देख रही है। इससे एंड स्क्रीन एलिमेंट टाइप्स में आपकी मैंने वीडियोस लगाई है और प्लेलिस्ट भी लगाई है और सब्सक्राइब भी लगाया है, तो वहां से 6.6% जो है सब्सक्राइबर आए हैं और 3% लोगों ने वीडियोज देखी और प्लेलिस्ट 1.5% ने देखी। सो ये भी काफी हेल्पफुल है। अच्छा, अब आ गया ये ऑडियंस के अंदर, और ऑडियंस में आप देख सकते हैं यूनिक व्यूअर्स जो है वो आपको 564 हैं, और एवरेज व्यूज पर व्यूअर, जो व्यूअर आया है उसने एवरेज व्यू कितना किया आपको 1.7 किया है, और सब्सक्राइबर्स जो है वो 99 आपके पास गेन किए हैं लास्ट 28 डेज के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये उसका जो है वो ग्राफ है, इसका ट्रेंड ग्राफ है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मजीद कि वॉच टाइम आपको कहाँ से मिला है, यानी 82% वॉच टाइम मुझे मिला है उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो 9.6% रेशियो है जिन्होंने मेरी वीडियोस वॉच की हैं, वहां से मुझे वॉच टाइम मिला है। अब टॉप ज्योग्राफीज देख रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लास्ट 28 डेज की। सो एनालिटिक्स डिफरेंट होंगे जब आप डिफरेंट मेजर्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सो पाकिस्तान से 34.1% ने मेरी वीडियो वॉच की है, मलेशिया से 1.2 है, ऑस्ट्रेलिया से 1.0 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अगर हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो कुछ एनालिटिक्स जो है वो डिफरेंट होंगे। एज जेंडर में फीमेल कोई भी नहीं है देखने के लिए, सिर्फ मेल ने देखा 100%, और जो एज ग्रुप आ रहा है इस पीरियड में 18 to 24 years है। सो इस तरह से कुछ डिटेल्स आपने देखी, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, और आप अपने चैनल को रिव्यू करें इससे पहले कि यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करके कुछ उसमें चेंजेस करें। तो आप अपने चैनल को रिव्यू करें और देखें कि आप मजीद अपने चैनल को किस तरह से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए।